A very warm welcome to you all in my YouTube channel, DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. तो हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो क्लास 10th का हमारा पहला चैप्टर है, दैट इज लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेसिकली एक शॉर्ट में अगर बोला जाए रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारा वो फिनोमिना होता है कि जब भी किसी कोई भी लाइट रे किसी एक प्लेन पे फॉल करती है तो वो उसी मीडिया में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसकी डिफिनेशन देखते हैं. व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इन एनी मीडियम, जब भी कोई लाइट रे किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो सरफेस पे फॉल करती है उस मीडियम के और वापस उसी सरफेस पे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है. इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इन एनी मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी मीडियम, अ पोर्शन ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देखते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली वो होती है कि किसी भी मीडियम में अगर लाइट रे हमारी फॉल कर रही है और वापस वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली वो होता है कि जब भी किसी प्लेन सरफेस पे जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है उसमें जैसे हमारी ये रेज फॉल कर रही हैं एक पर्टिकुलर एंगल से, उसी जो रेज हमारी फॉल कर रही है एक पर्टिकुलर एंगल से उसी मीडियम में हमारी वो रिफ्लेक्ट हुई जा रही है, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. और इररेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है कि जब सरफेस जो हमारी होती है वो प्लेन नहीं होती है, इररेगुलर फॉर्म में होती है, इसलिए जो लाइट रेज हमारी इस पे फॉल कर रही हैं और वापस जो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमारा एक मतलब एक पर्टिकुलर एंगल नहीं रहता है. मतलब इसका एंगल कुछ और होगा, इसका एंगल कुछ और होगा, इसका एंगल हमारा कुछ और होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इररेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. अब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर कैसे होता है. और रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर जानने से पहले हम जानेंगे कि प्लेन मिरर हमारा क्या होता है. एक छोटा सा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देखें तो प्लेन मिरर हमारा वो मिरर होता है जो घर पे हम लोग जो मिरर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू अपना फेस और अपनी बॉडी को वॉच आउट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर होता है. अब प्लेन मिरर इज पॉलिश सर्फेस केपेबल और रिफ्लेक्टिंग द लाइट रेगुलरली इज नोन एज अ प्लेन मिरर. वो मिरर जिसपे जब कोई लाइट रेज हमारी फॉल करती है तो वो हमारी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है और इसका जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ये हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस से कवर होता है. अ पॉलिश्ड मेटल सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर. और ये जो पॉलिश्ड मेटल सरफेस होता है इसकी वजह से ये एज अ गुड रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता है. जो भी लाइट रेज पे फॉल करती है वो इजिली उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है. अ प्लेन ग्रास सर्फेस कोटेड विद अ सिल्वर और अ ब्राइट पॉलिश्ड इज द बेस्ट टाइप ऑफ अ प्लेन मिरर. अगर हम कोई भी प्लेन ग्लास लेते हैं और उसके एक साइड सरफेस पे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं तो वो हमारा एक तरह से बेस्ट टाइप ऑफ प्लेन मिरर एक्ट करता है. अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे कुछ टर्म्स जो हमारे रिलेटेड हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. व्हेन द रे ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने अभी स्टडी किया था लास्ट मतलब पिछली स्लाइड्स में. और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये हमारा एक तरह से पी और जो क्यू है ये हमारा एक तरह से लाइट रे है जो कि फॉल कर रही है. क्यू और आर जो है वो हमारी इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये एक हमारा जो लाइट रे फॉल करती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. जो लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट करती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. अब बेसिकली हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रहते हैं तो इन्हें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंसिडेंट रे हमारा क्या होता है? अब हमें ये तो पता चल गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है. किसी भी एक सरफेस पे
किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट एनर्जी जब फॉल आउट करती है और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन। अब हमसे पूछे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये डायग्राम है, इसमें जो लाइट रे हमारी ये हमारा सरफेस है, प्लेन सरफेस। इस पे जो लाइट रे हमारी फॉल आउट कर रही है वो हमारी क्या है, पी क्यू। पी क्यू क्या हो गई, जो लाइट रे हमारी फॉल कर रही है। तो जो रे ऑफ लाइट होती है जो कि किसी सरफेस पे फॉल करती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे कहते हैं। उसके बाद है हमारा क्यू एंड आर। क्यू आर जो है वो इसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर रही है, वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रे ऑफ अ लाइट विच इज सेंट बैक इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रे। अब जब ये लाइट रे हमारे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमारा बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो हमारी लाइट रे है वो आके इंसिडेंट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है इसके बीच में, जो ये हमारा सर्फेस है इससे जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जो इस मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉप है इसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब आता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली हमारा वो एंगल होता है जो कि हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलकर बनाता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा वो एंगल होता है जो कि ये नॉर्मल हमारा इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ मिलकर बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे बेसिकली कुछ टर्म्स हो गए जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। अब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी कर लिया, उससे कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड रहते हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया। अब हम रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन के बेसिकली हमारे दो लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ जो होता है वो ये स्टेट करता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। और जो हमारा इसमें हमने तीन रेज पढ़ी है, एक हमारा इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक नॉर्मल रे है, ये तीनों ही हमारी एक ही प्लेन पे लाए करती है। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दैट आर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। इट मीन्स दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बेसिकली ये स्टेट करती है कि जैसे कोई भी हमारा प्लेन सरफेस है उस पर कोई लाइट रे फॉल कर रही है तो ये एज अ इंसिडेंट रे वर्क करेगी उस टाइम पे, और जो ये वाली रे है हमारी ये एज अ रिफ्लेक्टेड रे वर्क करेगी। और अगर इसका हम जस्ट अपोजिट करते हैं, रिवर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट करना, तो अगर हम इसका अपोजिट करते हैं कि सपोज वही लाइट रे हमारी इस तरह पे यहाँ पे फॉल करती है तो वो हम उस टाइम पे वो लाइट रे हमारी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये फॉल कर रही है और इसी मीडियम में ये वापस हमारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो वो हमारी उसमें उस टाइम पे उस केस में क्या होगी, वो रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो यही हमारा होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इफ बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे, ये B है और ये C है, बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे एंड ए बी इज इंसिडेंट रे, और ए बी जो हमारा है ये इंसिडेंट रे है। तो कन्वर्सली अगर हम इस चीज को देखें, इफ बी सी सॉरी सी बी इज इंसिडेंट रे, ये हमारा सी बी है, ये इंसिडेंट रे है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी ए जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही नहीं कि मतलब हमने इसे ऐसा ही बोल दिया कि ये हमारी अगर इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड है तो ये इंसिडेंट हो जाएगी। इसका कोई एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो इसका ये रीजन है कि दिस इज बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इसलिए हमारा ये रूल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फॉलो करता है। दस द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर रिवर्सिबल टू ईच अदर। अब हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक कवर हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो हमारी कैसे फॉर्म होती है। When we place an object in front of the mirror, its figure is formed in the mirror. This figure is called as an image. अब suppose जैसे कोई घर में mirror है, हम उसके आगे सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी उस पे इमेज फॉर्म होती है, जो हमारी एक तरह से जो आकार फॉर्म होता है उस पे, उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। If the ray of the light initiates from any point of the object after reflection meets at another point or seems to be coming from another point, this another point is called as the image of the first point. अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे जैसे देखते हैं,
सपोज हम लोग वॉच करते हैं, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें एज इट इज फील होता है कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो, मतलब लाइट रेज जो आती हैं वो हमारी कहीं पीछे से आ रही हैं। तो जो ये वाला पॉइंट हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। एक बार इसको फिर से देखते हैं। इफ द रे ऑफ द लाइट इनिशिएट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर हमारी रे ऑफ लाइट इनिशिएट हो रही है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारी लाइट रेस पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होता है, जैसे ये हमारा ये इंसिडेंट हो रहा है, ये इस पे फॉल कर रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो मीट करती है, अगर हम इस रिफ्लेक्शन जो रेज हो रही है इसको वापस से एक्सटेंड करते हैं, तो हमें एज ए फील होगा कि जो हमारी लाइट रेस आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट से ना आके यहां से आ रही हैं। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। इफ, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है। इफ अ रे ऑफ द लाइट इनिशिएट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट इनिशिएट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद मीट्स एट अनदर पॉइंट और सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट, दिस अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अब हमने इमेज के बारे में जान लिया कि हमारा इमेज क्या होता है। अब हमारी बेसिकली दो टाइप्स की इमेज होती हैं, एक हमारी होती है जो रियल इमेज होती है, एक हमारी होती है जो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल मीन्स आप जान सकते हैं इसका हिंदी में मीनिंग होता है काल्पनिक इमेज। काल्पनिक इमेज बेसिकली हमारी वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपने हाथ से टच नहीं कर सकते हैं, और जब भी कोई लाइट रे फॉल करती है ऑब्जेक्ट से, मतलब लाइट रे इनिशिएट होती है, और उसके बाद जो उसकी जो रिफ्लेक्शन के बाद जो उसकी जब हम रेज को एक्सटेंड करते हैं, तो हमें एज अ फील होता है कि लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से ना आके उस दूसरे पॉइंट से आ रही है। तो वो इमेज जो हमारी फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले में स्लाइड में डिस्कस किया था, उस मिरर पे जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इमेज होती है, और जो इसके अलावा जो इमेज हमारी होती है वो हमारी रियल इमेज होती है। तो जैसा कि डेफिनेशन में है हम इसको देख सकते हैं, व्हेन द रे ऑफ द लाइट इनिशिएट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट। इस वाले केस में एक किसी एक्चुअली किसी पॉइंट पे वो मीट करती है, तो वो इमेज जो हमारी फॉर्म होती है वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। और व्हेन अ रे ऑफ द लाइट इनिशिएट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम एनी अदर पॉइंट, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले केस में देखा था कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इनिशिएट हो रही हैं और मिरर, प्लेन मिरर जो हमारा रखा है उससे जब हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद अगर हम उस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक मिरर के पीछे पॉइंट मिलता है, हमें एज ऑफ लगता है कि मतलब जो लाइट रेज आ रही है वो पीछे मिरर से आ रही है। तो उस पॉइंट पे जो हमारी वो इमेज फॉर्म होती है वो हमारी कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, हम स्क्रीन पे इस इमेज को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि जो इमेज हमारे मिरर पे फॉर्म हो रही है उसे हम पकड़ना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल, पर जो रियल इमेज होती है उसे हम इजिली स्क्रीन पे कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कोई कैंडल रखी है, उससे लाइट रेज हमारी इनिशिएट हो रही है और जो हमारी परछाई पड़ती है, तो परछाई पड़ती है अगर हम उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो वो परछाई उस पर पड़ने लगेगी, मीन्स हम इसको कैप्चर कर पा रहे हैं। पर जो वर्चुअल इमेज होती है इसके केस में ऐसा नहीं होता है। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इन प्लेन मिरर से जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी, कुछ बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो हमारा होता है वो हमारा होता है वर्चुअल इमेजेस फॉर्म। जैसा कि आपने देखा जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो काल्पनिक होती है, उसे हम कहीं स्क्रीन पे कलेक्ट नहीं कर सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज, ये तो सबको ही पता होगा। सुबह सब लोग रेडी होते हैं, अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं और ये चीज फील करते हैं कि जो साइज हमारा मतलब ह्यूमन बींग का है, और मीन सपोज करें अगर ऑब्जेक्ट का है वही साइज हमारा इमेज का भी होता है, ना वो छोटा होता है और ना वो बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इन द सेंस का ये हुआ कि अगर हम अपना राइट हैंड रेस करते हैं तो जो हमारा मिरर पे इमेज फॉर्म हो रही है उसमें हमें अपना लेफ्ट हैंड रेस दिखाई पड़ता है, तो मीन्स लिटरली इन्वर्टेड उल्टी इमेज फॉर्म होती है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो
इसका सिंपली मीन्स ये हुआ कि सपोज जैसे ये हमारा मिरर है और यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है, सपोज ये 10 सेंटीमीटर की दूरी से खड़ा है इस मिरर से, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी इस मिरर के पीछे अंदर के साइड में 10 सेंटीमीटर दूर होगी। अगर वो 1 सेंटीमीटर यहाँ से इंक्रीज करता है, मतलब मिरर और इंसान के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो 9 सेंटीमीटर होती है, तो अंदर से भी एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करेगा और जो उसकी इमेज होगी अंदर के साइड में वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। इसका एक डेरिवेशन है जो कि अभी हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, कि हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा इमेज फॉर्म होता है और जो ऑब्जेक्ट से रेस निकलती है और इमेज फॉर्म होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की दूरी के इक्वल होता है। तो इसी का हम प्रूफ इस डायग्राम में स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ये हमारे रिफ्लेक्टेड रेज है। यहाँ पे हम देखते हैं ओ डी, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट हमारा पी है, ये पॉइंट हमारा आई है, ये वाला पॉइंट हमारा ई है, और ये वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये पॉइंट हमारा जी है। ध्यान दें, ये पॉइंट हमारा जी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी इंसिडेंस रे हैं। OD and OP, ये हमारा O है एंड दिस वन इज D, मीन्स जो ये वाली लाइट रे है ये वाला इंसिडेंट है, और OP ये वाली एक दूसरी लाइट रे इंसिडेंट है। अब एक पॉइंट सोर्स होता है, एक एक्सटेंडेड सोर्स होता है जो कैंडल से, पॉइंट सोर्स हमारा कहीं पे फॉर्म नहीं होता है, हम उसे फॉर्म खुद करते हैं। अब इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। पॉइंट सोर्स वो होता है, पॉइंट सोर्स की जो लाइट होती है उसे हम कहीं क्रिएट करते हैं, वो अपने आप नेचुरली फॉर्म नहीं होती है। सपोज कोई बॉक्स ले, उसमें छोटा सा हम होल करते हैं, उसके अंदर कोई टॉर्च या समथिंग कुछ भी टाइप का रखें, तो उससे जो हमारी लाइट रे निकलेगी तो ऑब्वियस बात है वो पॉइंट सोर्स होगा, उस पॉइंट पे स्टार्टिंग जो होगा वो हमारा पॉइंट होगा। और जैसे कैंडल हो गया, मतलब जो इसकी जो लाइट रेज निकल रही है वो सारे पार्ट्स में निकल रही, तो ये हमारी कैसी होगी, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो जो लाइट रे हमारी है ये यहाँ से एमिट हो रही, तो हम यहाँ पे दो इंसिडेंट रे कंसिडर करेंगे, एक हमारा ओडी हो जाएगा और एक हमारा ओपी हो जाएगा। तो हमारा ओडी एंड ओपी आर द इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे इस पे फॉल करेगी तो इसी एंगल पे इस पे रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, जैसा कि हमने लॉज में अभी पढ़ा है। तो हमारा ये ई एंड डी इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ये ई डी हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, और इस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है अगर 90 डिग्री पे फॉल कर रही है इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी हमारी कितनी होगी, 90 डिग्री पे। तो ऑब्वियस सी बात है ओपी हमारा अगर इंसिडेंट रे है तो पी ओ हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। जी एंड डी, जी एंड डी इज द नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस मिरर। ओ हमारा है लाइट एमिटिंग सोर्स, ये जो हमारा O है ये वाला पॉइंट जो कैंडल है ये हमारा लाइट एमिटिंग सोर्स है। आई जो हमारा हो गया ये इस कैंडल की जो इमेज फॉर्म हो रही है इस प्लेन मिरर के पीछे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं डी एंड जी, ये जो लाइन ड्रॉ है ये परपेंडिकुलर जो है ये पैरलर है किसके, ओ आई के, इस वाले लाइन के, ऑब्वियस बात है दोनों लाइन हमारी पैरलर है। इसके बाद हम देख सकते हैं एंगल ई डी एंड जी, यहाँ पे हम देखते हैं ई डी एंड जी मीन्स ये वाला एंगल दिस वन, ये एंगल जो हमारा है ये हमारा डी आई एंड ओ मीन्स दिस वन एंगल, मीन्स ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद है हमारा ई डी एंड जी मीन्स ये वाला जो हमारा एंगल है वो हमारा किसके इक्वल है, जी डी एंड ओ इस वाले एंगल की, क्योंकि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि एंगल आई जो होता है वो हमारा एंगल आर के इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम जब इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका राइट हैंड साइड जो है इन दोनों इक्वेशंस का इक्वल है, मीन्स हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। हमने वैसा ही किया है, डी आई ओ इज इक्वल टू जी डी ओ मीन्स हमारा ये डी I एंड O मीन्स ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, G D एंड O मीन्स जो ये वाला एंगल है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज G D एंड O, जो हमारा ये वाला एंगल है वो हमारा D I सॉरी D O I
इस एंगल के इक्वल है। जो हमारा ये वाला एंगल, जैसे ये ब्लैक वाला डॉट है आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमको ये दो इक्वेशन मिल गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि इसका जो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड के हमारा इक्वल है। तो आपस में दिस वन विल बी इक्वल टू दिस, मीन्स डी आई ओ विल बी इक्वल टू डी ओ आई। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें डी आई एंड ओ, मीन्स ये वाला जो एंगल है वो हमारा किसके इक्वल है, डी ओ आई इस एंगल के। अब ये हमारा ट्रायंगल है, इसके अपोजिट के दो साइड्स इक्वल है, तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारा दो एंगल्स इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड्स वाली, मतलब ये जो हमारी दो साइड्स हैं ये भी हमारी आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब OD जो है हमारा वो DI के इक्वल हो जाएगा। ये इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद जब अब हमारा खाली इस वाले ट्रायंगल से मतलब रह गया है, हमने ये चीज प्रूव कर दिया कि ये वाली जो लाइट रे है वो हमारी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। पहला हम लेंगे डी आई एंड पी, ये वाले ट्रायंगल में लेंगे और हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा डी आई का होल स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू पी आई का होल स्क्वायर प्लस पी डी का होल स्क्वायर। और जब हम इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डी आई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आई का होल स्क्वायर प्लस पी डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे पी डी आना चाहिए प्लस में, जब इस पी डी को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अब देख सकते हैं कि जो हमारा ओडी है दिस वन इज इक्वल टू डी आई, तो मीन्स दैट जो हमारा यहाँ पे ये डी आई लिखा हुआ है इसकी जगह क्या हम ओडी लिख सकते हैं, ये हमने इसकी जगह ओडी प्लेस कर दिया है, बाकी हमने एज इट इज डी पी कॉपी कर लिया है और पी आई कॉपी कर लिया है। अब हमने इसको सपोज कर लिया है इक्वेशन नंबर थ्री। इसके बाद हमारा ये ट्रायंगल का काम खत्म हो गया है। अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। जब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ओडी का होल स्क्वायर है, ये वाला ओडी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओपी, दिस वन ओपी का होल स्क्वायर प्लस पीडी का होल स्क्वायर। तो पीडी जब हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही इक्वेशंस के राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियस बात है ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा पी आई का जो होल स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड से रिमूव करेंगे तो हमारा जो पी आई हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ओपी के इक्वल हो जाएगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारा पी आई है वो किसके इक्वल है, ओपी के स्क्वायर के इक्वल है। अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारा मिरर था, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, जब हम इसको एक्सटेंड किया तो ये पीछे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है और ये मिरर की डिस्टेंस है। हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से वो हमारा किसके इक्वल है, मिरर का डिस्टेंस इमेज से। सो दैट इज So that's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.